हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली जीपर्स क्रीपर फिल्म के काफी बड़े अपडेट के बारे में। इट मींस कि इस फिल्म के फोर्थ पार्ट या फिर कहूँ रीबूट वर्जन की तैयारी शुरू कर दी गई है, और उसी के साथ साथ फिल्म के रिलीजिंग ईयर की भी, जो इसी साल की है। जी हाँ, इस फिल्म को इसी साल रिलीज किया जाएगा, बट जैसे कि मैंने कहा, रिलीज डेट और मंथ को कन्फर्म नहीं किया गया है सिवाय रिलीजिंग ईयर के। तो चलिए अब इस फिल्म के प्लॉट और बाकी दूसरी डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि क्यों जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स को फिर से एक और फिल्म का मौका दिया गया है, या फिर कहूँ इसके यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आज से 6 या 8 महीने पहले मैंने आपको इसकी कंफर्मेशन दी थी कि क्यों जीपर्स क्रीपर की यूनिवर्स में एक और फिल्म बनने के चांसेस नहीं है। तो उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रही होगी कि कैसे फिल्म के राइटर डायरेक्टर विक्टर सलवा की गलती की वजह से जीपर्स क्रीपर की पूरी फ्रेंचाइजी को एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, और उनके रहते हॉलीवुड में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर कहूँ प्रोड्यूसर जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स में पैसे नहीं लगाना चाहता था। लेकिन अब इस डील से ऐसा लगता है कि स्क्रीन वालों की तरफ से काफी अच्छी डील की गई होगी। तो चलिए अब उन डील्स की बात करते हैं और साथ ही साथ फिल्म की डिटेल्स की भी। लेकिन ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए कंफर्मेशन तो यही कहती है कि विक्टर सलवा से पूरा का पूरा क्रेडिट स्क्रीन मीडिया के अंडर चला गया है, जिस प्रोडक्शन हाउस ने जीपर्स क्रीपर 3 में पैसे लगाए थे। यानी कि स्क्रीन मीडिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स में, और होना भी चाहिए क्योंकि जीपर्स क्रीपर की हिस्ट्री अब तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं की गई है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही है कि क्रीपर आया कहां से है और उसका पास्ट क्या है, जिसके हमें कई सारे हिंट्स भी मिले, लेकिन अगेन उन सब का भी रिजल्ट के हिसाब से कहीं पर भी एंड नहीं होता, और ना ही चीजें एक्सप्लेन करती है कि अगेन क्रीपर आया कहां से है और क्या उसके जैसे और भी क्रीपर्स है भी या नहीं। और जैसे जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स को विक्टर सलवा चला रहे थे, उसे आप सुस्ती ही कह लो, जिसमें हमने इसके पहले पार्ट को साल 2001 में देखा और सेकंड को 2003 में। उसके बाद इस पूरी फ्रेंचाइजी को डेड पर डाल दिया गया, और साल 2017 में विक्टर सलवा ने स्क्रीन मीडिया वालों के साथ पार्टनरशिप कर जीपर्स क्रीपर 3 फिल्म बनाई, जिसके बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स कलेक्शन के हिसाब से थिएटर में इतने ज्यादा अच्छे नहीं आए, लेकिन फिल्म को थिएटर्स के साथ साथ टेलीविजन और ब्लूरे रिलीज भी किया गया था, जिसमें ऑब्वियसली स्टूडियो को फायदा हुआ है, इसलिए स्टूडियो जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स में इंटरेस्टेड है। और इस छोटे से स्टूडियो की तरफ से ये बात भी कंफर्म की गई थी कि अब स्क्रीन मीडिया के अंडर जीपर्स क्रीपर के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। लेकिन बाद में एक काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी विक्टर सलवा पर चली, जिसके चलते उन्हें जेल हो गई, और फिर क्या था उसकी कॉन्ट्रोवर्सी का असर इस फिल्म के थर्ड पार्ट के थिएटर रिलीज पर हुआ, और फिल्म उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसमें हमें आंसर बिल्कुल क्लियर तरीके से बताए नहीं गए, क्योंकि विक्टर सलवा ही इस फिल्म की स्टोरी लिखने का भी काम करते हैं और फिल्म को डायरेक्ट करने का भी। और इसी पॉइंट पर मैंने आपको ये बात भी कही थी कि अगर जब तक विक्टर सलवा जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड रहेगी तो ये फ्रेंचाइजी पूरी तरीके से डेड रहेगी। लेकिन अब उसके सोल्यूशन को निकालते हुए फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है, और साथ ही साथ फिल्म के टाइटल की कंफर्मेशन भी दे दी गई है, जो इस बार जीपर्स क्रीपर रिबॉर्न होगी। और अब विक्टर सलवा इस फिल्म के साथ में जुड़े हुए नहीं है, तो इस फिल्म के साथ बाकी और दूसरे नामों को जोड़ दिया गया है, जैसे कि फिल्म के राइटर डायरेक्टर, जो इस बार अगेन विक्टर सलवा नहीं सेन माइकल एर्गो है, जिन्हें काम दिया गया है इस फिल्म की स्टोरी लिखने का। और अब वो इतने बड़े भी राइटर है नहीं कि मैं आपको बाकी दूसरी फिल्मों के नाम गिनाऊं। और डायरेक्टर की बात करें तो फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी टीमो वोलेंसुरा को दी गई है, और टीमो ने भी अपने करियर में कुछ खास ज्यादा बड़ी फिल्में नहीं बनाई है सिवाय आयरन स्काई के 2 सीक्वल्स के, जो मुझे लिटरली बिल्कुल भी नहीं पसंद। और साथ ही साथ ये बात भी कंफर्म की गई है कि इस फिल्म का भी बजट स्क्रीन मीडिया हर बार की तरह कम ही रखेगा, क्योंकि ये एक छोटा मोटा स्टूडियो है जो फिल्मों को कम से कम पैसों में बनाकर उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। जिस स्टूडियो की रीसेंट रिलीज की बात करें तो वो फिल्म विलीज वंडरलैंड है। और इसके अलावा रही बात फिल्म की कास्टिंग की, तो उस पर बात कर भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फिल्म की कास्टिंग जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स में इतनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती। लेकिन हाँ, कहानी की बात करें तो इस बार की कहानी सुनने में थोड़ी थोड़ी सी हेल्थ फीस्ट की तरह लग रही है, क्योंकि यहाँ पर भी फिल्म के डायरेक्टर के अकॉर्डिंग एक हॉरर इवेंट रहेगा, यानी कि काफी बड़ा हॉरर फेस्टिवल, जिसे सेट किया गया है लुसियाना में। और इस फेस्टिवल में लियाना का बॉयफ्रेंड उसे फोर्सली ले जाता है, और वहाँ से लियाना और इस फेस्टिवल में आए हुए सभी के सभी हॉरर फैंस का शुरू होता है काफी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, जो ऑब्वियसली अर्बन मिथ क्रीपर से रिलेटेड है, जिसके पास्ट के विजन लियाना के कैरेक्टर को आते हैं। अब उसका कनेक्शन क्या है उसका तो मुझे ऐसा कोई भी आइडिया है नहीं, लेकिन उसके इस कनेक्शन से क्रीपर की एंट्री भी उस हॉरर फेस्ट में होने वाली है, यानी कि ब्लड बाथ काफी ब्रूटली हमें इस फिल्म में फिल्म के डायरेक्टर के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। और ऊपर से सारे के सारे लोग हॉरर गेटअप में होंगे शायद से, जिसकी वजह से क्रीपर को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल भी होगा। लेकिन फिलहाल तो कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया फिल्म की पूरी टीम की तरफ से
कि ये जीपर्स क्रीपर का फोर्थ पार्ट या फिर उसका रिबूट वर्जन है, लेकिन टाइटल से तो ऐसा ही लगता है कि फिल्म की स्टोरी की कंटिन्यूएशन फिल्म के सेकंड पार्ट के बाद की ही होने वाली है। अब मैंने सेकंड पार्ट इसलिए कहा है क्योंकि फिल्म के थर्ड पार्ट की स्टोरी आखिर में कनेक्ट फिल्म के सेकंड पार्ट से जाकर होती है। अब ये एक स्पॉइलर है तो सॉरी उसके लिए अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो, और उसमें अगर टाइमलाइन को ऐड किया जाए तो ये टाइमलाइन हमें फिल्म के थर्ड पार्ट में थोड़ा कंफ्यूज करती है क्योंकि कहानी उस बस इवेंट के बाद एक काफी क्लिफहैंगर पर खत्म होती है। अब ऐसा ही कुछ फिल्म के थर्ड पार्ट में भी होता है जिसकी कंटिन्यूएशन होनी ही चाहिए अगर फिल्म की टीम्स चाहती है तो, वरना जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स में रिबूट का ऑप्शन इतना ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि क्रीपर 23 दिन की काफी बड़ी हंटिंग के बाद सोता पूरे 23 साल तक है, और ऑफ कोर्स 23 साल में चीजें बहुत कुछ बदल जाती है जो शायद इस फिल्म में भी बदलेगी। और फैंस का इंतजार इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर काफी लंबा चला है कि क्रीपर है कौन और उसकी हिस्ट्री है क्या। और हाँ, एक और बात, फिल्म के टीम की तरफ से ये भी बात कही गई है कि ये फिल्म उन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके फैंस के कुछ आंसर्स को तो देगी ही, जिससे उन्हें क्रीपर के कैरेक्टर को लेकर काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। और अब आखिर में बात करें इस फिल्म के एक्चुअल रिलीज की, तो इस फिल्म को कहीं ना कहीं फॉल में रिलीज करने की प्लानिंग की गई है, यानी कि साल के एंड के मंथ में, जिसकी शुरुआत सितंबर से शुरू हो जाती है। और उसके पहले के चांसेस तो इस फिल्म के इस साल रिलीज होने के फिलहाल तो अभी नहीं है। बाकी इस डिटेल को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या फिल्म के इस रीबॉर्न चैप्टर को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है? और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।